सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम लोग हॉरर या क्रीपी चीजों के बारे में बात करते हैं। और गाइस, आज की जो स्टोरी होने वाली है वो एक भानु नाम के लड़के के बारे में होने वाली है। और ये जो इंसिडेंट है वो एक्चुअली भानु के पापा के साथ हुआ था, और ये इंसिडेंट इतना क्रीपी था कि जिसे सोचकर भानु आज भी बहुत डरता है। तो आखिर भानु के पापा के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे सोचकर भानु आज भी इतना घबराता है? तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी तब की है जब भानु 17 साल का था, और आज के टाइम पर भानु 26 साल का है, यानी कि आज से लगभग 9 साल पहले भानु के पापा के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो आज से 9 साल पहले जब भानु 17 साल का था, तब उसके घर में उसकी मम्मी, उसकी बहन और उसका छोटा भाई रहा करता था। और भानु के जो डैड थे उनका ट्रांसफर बहुत पहले ही दिल्ली में हो गया था, जिसकी वजह से भानु के पापा और उनकी फैमिली अलग अलग रहा करती थी। भानु के पापा दिल्ली में और भानु की फैमिली पहले जहाँ पर थी वहीं पर ही रुकी हुई थी। और भानु और उसकी फैमिली हर दिन अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जी रही थी, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक उनकी जिंदगी में वो एक रात नहीं आई थी। तो एक रात जब भानु और उसकी फैमिली नॉर्मली अपना डिनर करके सोने चले जाते हैं, तब तक तो उनके साथ सब नॉर्मल था, लेकिन आगे उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगने वाला था। तो जब रात के 12-1 बजे के आसपास भानु और उसकी फैमिली सो रही थी, तब अचानक से उन सभी की आंख खुल जाती है। और जब वो लोग उठते हैं तब उन्हें उनके घर के मेन डोर से किसी की बहुत जोर से खटखटाने की आवाज आने लगती है। पहले तो भानु और उसके घर वाले बहुत डर जाते हैं कि इतनी रात को कौन इतने जोरों से इनके मेन डोर को पीट रहा है, लेकिन अचानक से उनके मेन डोर से किसी की बहुत जोर से आवाज आती है कि दरवाजा खोलो। और ये सुनते ही भानु जल्दी से जाकर मेन डोर को खोल देता है, क्योंकि ये जो आवाज थी वो महेश जी यानी भानु के पापा की थी। और जब वो लोग महेश जी को घर के अंदर लाते हैं, तब वो नोटिस करते हैं कि उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके जो कपड़े थे वो बहुत जगह से फटे हुए थे और वो बहुत ज्यादा हांफ रहे थे, जैसे वो कहीं बहुत दूर से नॉनस्टॉप भागते हुए आए हैं। और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी ही नहीं है। इसीलिए जब वो लोग महेश जी को घर के अंदर लाते हैं, तब वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उनका 4 दिन तक इलाज चलता है। लेकिन 4 दिन बाद भी उनकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन अब वो बोलने की हालत में आ चुके थे। और जब सभी ने उनसे पूछा कि आखिर आपके साथ क्या हुआ था, तब उन्होंने वो सारी चीजें बताई जो उनके साथ हुई थी। तो ये बात पिछली रात की है जब महेश जी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, और काम करते करते रात के 10 कब बज जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। और ऑफिस से जो महेश जी का अपार्टमेंट था वो ऑलमोस्ट 4 या 5 किलोमीटर दूर था। और अब क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए महेश जी सोचते हैं कि वो आज एक शॉर्टकट से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाएंगे। और जिस शॉर्टकट से महेश जी अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने की सोच रहे थे, उसका नाम दिल्ली कैंट रोड था। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो उस रोड से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाएंगे। फिर कुछ देर बाद वो उस रास्ते से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। पर जब वो उस रास्ते से जा रहे थे, तब उन्हें वहाँ बहुत अजीब लगने लगा है, क्योंकि यूजुअली दिन के टाइम पर यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई देते थे, बट रात के समय पर यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, लेकिन जब उन्होंने उस रोड का आधा रास्ता कवर किया ही था, तब उन्हें वहाँ कुछ दिखता है। वो देखते हैं कि उनके आगे एक और बाइक वाला चल रहा होता है, जिसे देखकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगते हैं कि अभी भी यहाँ इंसान आना जाना कर रहे हैं। बट जैसे ही वो उस बाइक वाले के थोड़ा क्लोज जाते हैं, तब उन्हें दिखता है कि उस बाइक वाले के पीछे एक लेडी भी बैठी हुई थी, जिसने साड़ी पहनी हुई थी, और उस लेडी के साड़ी का जो पल्लू था वो हवा में लहरा रहा था। तो महेश जी थोड़ा आगे जाते हैं और उस लेडी को बोलते हैं कि अरे बहन जी, अपना पल्लू संभाल लीजिए, वरना अगर पिछले टायर में फंस गया तो आप गिर जाएंगी। उसके बाद वो लेडी अपना पल्लू ठीक कर लेती है, बट जो बाइक को चला रहा था वो महेश जी को बहुत गुस्से से देखने लगता है, जैसे वो नहीं चाह रहा था कि कोई उस पीछे बैठी हुई लेडी से बात करे। और महेश जी को ये चीज काफी वियर्ड लगी, क्योंकि वो तो बस हेल्प करना चाह रहे थे। लेकिन बाद में महेश जी ये सब इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया ही था, अचानक से उन्हें किसी का कॉल आने लगता है। उसके बाद जब वो अपना फोन चेक करते हैं, तब वो देखते हैं कि उनके ऑफिस के बॉस का कॉल आ रहा था। वो अपने बॉस से ऑफिस से रिलेटेड कुछ बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके बगल से वही सेम बाइक वाला गुजरता है। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ, इस बार जब वो बाइक वाला इनके सामने से गुजरा, तब उस बाइक पे कोई भी लेडी बैठी हुई नहीं थी। महेश जी फिर से सोचने लगते हैं कि आखिर वो लेडी गई तो गई कहाँ, क्योंकि अभी जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया था उसमें कोई घर या कुछ भी नहीं था, तो आखिर वो औरत उतरी कहाँ। महेश जी ये पूछने के लिए अपनी बाइक को चलाकर उस बाइक वाले के सामने जाते हैं, और वो उससे पूछते हैं कि अरे भाई साहब, आपके पीछे जो औरत बैठी थी वो कहाँ गई? जिसपे वो आदमी बहुत गुस्से से बोलता है कि पागल हो क्या, कौन सी औरत की बात कर रहे हो, दिमाग ठीक नहीं है क्या तुम्हारा? और ये बोल के वो बाइक वाला आगे चला जाता है। महेश जी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अब महेश जी को थोड़ा डर लगने लगता है, इसीलिए वो अपने बाइक को
जल्दी से भगाकर अपने अपार्टमेंट की तरफ पहुंचते हैं और अपने बाइक को पार्क करने के बाद वो लिफ्ट लेकर अपने अपार्टमेंट में जाते हैं जो कि फोर्थ फ्लोर पे था। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जो भी उनके साथ हुआ था उसे सोचकर उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ सोचे जा रहे थे तभी बाहर एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अपार्टमेंट की लाइट्स वगैरह चली जाती है। और उसके बाद महेश जी जैसे ही अपना फ्लैश लाइट ऑन कर ही रहे होते हैं तब उन्हें अचानक से अपने किचन से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। महेश जी फिर से डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे ना कैसे करके थोड़ी हिम्मत दिखा के अपने फ्लैश लाइट को लेकर किचन की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे उनके पीछे कोई तो है। और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तब वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जो उनकी बालकनी वाली खिड़की होती है उसमें किसी के हाथों के निशान बने हुए हैं, जो कि अभी वहां 2 मिनट पहले कुछ भी नहीं था लेकिन अब वहां किसी के हाथ के निशान है। महेश जी ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जो उनके साथ रास्ते में हुआ और जो उनके साथ अभी फ्लैट में हो रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो समझ जाते हैं कि इस रात को अकेले रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आकर अपने बाइक से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। और जो उनका घर था वो उनके अपार्टमेंट से 30 किलोमीटर दूर था। वो भरी बारिश में अपने घर की तरफ फुल स्पीड में जा रहे होते हैं, और क्योंकि अभी रात का टाइम था इसीलिए रास्ते में उतनी भीड़ भी नहीं थी, जिसकी वजह से रास्ता भी जल्दी कवर हो जाता है। अब लगातार 1 घंटे बाइक चलाने के बाद वो अपने घर पहुंचने ही वाले थे और अब उन्हें थोड़ी राहत भी मिलती है और बारिश भी अब रुक चुकी थी। लेकिन अब अचानक से एक गाड़ी वाला महेश जी के पास आता है और वो गाड़ी वाला अपने गाड़ी के शीशे को नीचे करता है और महेश जी को बोलता है कि अरे भाई साहब, भाभी जी को बोलिए कि अपना पल्लू संभाल ले, वरना अगर चक्के के नीचे आ गया तो वो गिर जाएंगी। और गाड़ी वाला ये बोलकर आगे चला जाता है। बट महेश जी अब बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि वो बाइक अकेले नहीं चला रहे थे बल्कि उनके पीछे वही सेम औरत बैठी हुई थी जिसे उन्होंने दिल्ली कैंट रोड में उस बाइक वाले के पीछे बैठे हुए देखा था। फिर महेश जी जैसे ही उस औरत को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं तभी अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं पर ही गिर जाते हैं। और वो इतनी स्पीड में थे कि महेश जी अपने बाइक से 10-12 कदम आगे जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। और गिरने के बाद वो हिल डुल नहीं पा रहे थे लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थी और वो चीजों को देख और सेंस कर पा रहे थे। और कुछ देर बाद उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके आसपास बहुत भीड़ जमा होने लगी है, जैसा नॉर्मली एक्सीडेंट वगैरह के वक्त होता है। फिर महेश जी में थोड़ी हिम्मत आती है कि कम से कम अब उनके सामने कुछ लोग तो है, और यही सोचकर महेश जी अब उठने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें पूरी खुली तब वो देखते हैं कि उनके आसपास तो कोई भी नहीं है, वो सिर्फ उनका एक वहम था। और उसके बाद जब वो अपने बाइक की तरफ देखते हैं जो उनसे थोड़ी ही दूरी पर पड़ी हुई थी, उस पे एक औरत बैठी हुई थी, वही औरत जिसे उन्होंने दिल्ली कैंट रोड में देखा था। महेश जी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो बिना कुछ देखे बस भागना शुरू कर देते हैं। वो ना अपनी बाइक देखते हैं और ना ही कुछ और। और जब वो अपने बाइक से गिरे थे तब उन्होंने 25 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लिया था और अब वो अपने घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे और 5 किलोमीटर वो बस भागते भागते पूरा करते हैं। और फिर वो अपने घर पे जाके जोर जोर से गेट को खटखटाते हैं, तब उनके बच्चे गेट को खोलते हैं और वो वहां जाके बेहोश हो जाते हैं। और ये सब सुनने के बाद महेश जी के घर वाले बहुत डर जाते हैं और कुछ दिन के अंदर ही वो अपने घर में एक पूजा करवा देते हैं। बट उस पूजा का कुछ खास असर हुआ नहीं, महेश जी आज भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है और आज तक महेश जी की ट्रीटमेंट चल ही रही है और उनकी जो हालत है वो दिन ब दिन और भी बदतर होती ही जा रही है। सो गाइज, इसी के साथ ये कहानी यही पे एंड होती है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।